जो नारे आपने अभी यहाँ हमें उनके बारे में याद दिलाया, मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ है। वोटर ये जानना चाहता है कि आज के जो हमारे मुश्किलात हैं उनका हल कैसे होगा। या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना लाओ कर लो स्कोर। मुझे थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है वो यही है कि हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। जो नारे आपने अभी यहाँ हमें उनके बारे में याद दिलाया, मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ है। उल्टा जब कभी हम इस तरह के नारे जो हैं इस्तेमाल करते हैं तोड़ मरोड़ के नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। वोटर इन चीज़ों से मुतमईन नहीं होता। वोटर ये जानना चाहता है कि आज के जो हमारे मुश्किलात हैं उनका हल कैसे होगा, हमारी नौकरी कहाँ से आएगी, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आज डिस्ट्रेस है उसको किस तरह दूर किया जाएगा, जो रूरल इकोनॉमी जो है हमारी लगभग पूरी स्टैग्नेंट हो चुकी है, रूरल इकोनॉमी को किस तरह दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, इन चीज़ों पे जो है वोटर सुनना चाहता है बजाय ये कि किसका परिवार है या नहीं है। और ऐसे जो हैं जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया, कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। तो मैं तो अपने वो मुझसे हालांकि सियासी तौर और उम्र के लिहाज से बहुत सीनियर हैं लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है वो यही है कि हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार ये अदानी अंबानी ये राफेल ये परिवार ये चलता नहीं है। अपोजिशन को कितना नुकसान होगा इस जो भी नैरेटिव बना है, क्योंकि वोट आने दीजिए, मैं अभी कैसे कह सकता हूँ। हाउ कैन आई टेल यू वेदर वी विल लूज वन सीट और थ्री सीट्स और विल गेन वन और थ्री। यू विल ओनली नो वेयर वी स्टैंड ऑन द डे द वोट्स आर काउंटेड एंड द सीट्स आर टैलीड। सो लेट्स सी। जो नारे आपने अभी यहाँ हमें उनके बारे में याद दिलाया, मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ है। वोटर ये जानना चाहता है कि आज के जो हमारे मुश्किलात हैं उनका हल कैसे होगा। या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना लाओ कर लो स्कोर। मुझे थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है वो यही है कि हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। जो नारे आपने अभी यहाँ हमें उनके बारे में याद दिलाया, मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ है। उल्टा जब कभी हम इस तरह के नारे जो हैं इस्तेमाल करते हैं तोड़ मरोड़ के नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। वोटर इन चीज़ों से मुतमईन नहीं होता। वोटर ये जानना चाहता है कि आज के जो हमारे मुश्किलात हैं उनका हल कैसे होगा, हमारी नौकरी कहाँ से आएगी, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आज डिस्ट्रेस है उसको किस तरह दूर किया जाएगा, जो रूरल इकोनॉमी जो है हमारी लगभग पूरी स्टैग्नेंट हो चुकी है, रूरल इकोनॉमी को किस तरह दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, इन चीज़ों पे जो है वोटर सुनना चाहता है बजाय ये कि किसका परिवार है या नहीं है। और ऐसे जो हैं जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया, कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। तो मैं तो अपने वो मुझसे हालांकि सियासी तौर और उम्र के लिहाज से बहुत सीनियर हैं लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है वो यही है कि हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार ये अदानी अंबानी ये राफेल ये परिवार ये चलता नहीं है। अपोजिशन को कितना नुकसान होगा इस
जो भी नैरेटिव बना है, क्योंकि वोट आने दीजिए, मैं अभी कैसे कह सकता हूँ? How can I tell you whether we will lose one seat or three seats or will gain one or three? You will only know where we stand on the day the votes are counted and the seats are tallied. So let's see.